एक तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से एक तरफ हो रहा है, एक तरफ से हो रहा प्रशासन गोलाबारी कर रहा है, एक तरफ से हो रहा प्रशासन गोलाबारी कर रहा है, प्रशासन कर रही है और लाठी मार रही है। सब मिली जुली सरकार है वो। अरे अब दिखाइए किस तरह से गोलाबारी कर रहा है, दिखाइए। ये जो रोड़ेबाजी चल रही है, लाइव तस्वीरें इस वक्त दोनों तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी चलाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी। इस वक्त की लाइव तस्वीर आप देखिए, प्रशासन को देखिए, ये प्रशासन को देखिए, ये प्रशासन। अरे हटिए ना, ये प्रशासन हटिए, आप इधर आइए, ये खुद को प्रशासन कहते हैं, खुद को प्रशासन। अरे हटिए ना, देखिए ये सब नीतीश कुमार गुलाम बन चुके हैं, गुलाम प्रशासन नहीं है, गुलाम बन चुके हैं ये लोग। अरे दोनों तरफ से रोड़ेबाजी की जा रही है और अरे अभी सुनिए, लाइव लाइव में लाइव काटिए ना, रोड़ेबाजी हो रही है, जल्दी 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 बाहर नहीं कनेक्ट। अरे अच्छा छोड़िए, तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रशासन की तरफ से और जो कार्यकर्ता हैं वो उस तरफ से भाग रहे हैं, वो कार्यकर्ता तमाम कार्यकर्ताओं जो प्रदर्शन में उतरे थे उनको अब हटाने की कोशिश की जा रही है और जब ये नहीं मान रहे हैं तो उधर से कार्यकर्ता भी रोड़ेबाजी पर उतर गए हैं, प्रशासन के लोग लगातार मौजूद हैं और ये तमाम लोगों को इशारे किए जा रहे हैं डाकबंगला चौराहे से सीधे तौर पर, डाकबंगला चौराहे से सीधा वापस जेपी गोलंबर ले जाया जा रहा है। हम अपने सहयोगी नितान को कहेंगे कि देखिए किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बिना अनुमति के आए थे और वो अब यहाँ से डाकबंगला चौराहा से बाहर की ओर जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से लाठीचार्ज हुए हैं, लाठीचार्ज की वजह से तमाम कार्यकर्ताओं को डाकबंगला चौराहा से और अभी भी देखिए कि किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, पुलिस के जो बल हैं वो लगातार उनको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और भगाया जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं को। तो जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ से निकले हैं उसके बाद तमाम जो दुकानें हैं वो देखिए किस तरीके से आपाधापी की स्थिति ऐसी हुई कि तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है। तो ये राजधानी पटना की तस्वीर और वो देखिए वो किस तरह से तो कार्यकर्ता है, जैसे ही वो व्हाइट कॉलर में दिख रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त VIP न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहाँ पर पटना में पुलिस ने राजद के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर दिया है। तो ये तस्वीर है और वो जो कार्यकर्ता है वो अब दुकानों पर भी हमला करने लगे हैं, वो देखिए दुकानों पर हमला और प्रदर्शन का दौर भी जारी है लगातार। आपको बता दें कि तमाम जो दुकानें हैं वो देखिए दुकानें तमाम दुकानों ने अपनी दुकान बंद कर ली है क्योंकि दोनों तरफ से जब लाठीचार्ज हुए हैं तो अपनी हिफाजत के लिए इस तरीके से किया गया है और यहाँ से वापस कार्यकर्ताओं को बाहर गांधी मैदान की तरफ वापस किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज RJD की तरफ से सदन घेराव का कार्यक्रम रखा गया था और सदन के घेराव कार्यक्रम के बीच में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और ये देखिए किस तरीके से ये इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर चलाए गए हैं। अब सोचिए इसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर तमाम दुकानें बंद, राजधानी पटना की तमाम वो दुकानें बंद जिस रास्ते से प्रदर्शन की बात कही गई थी और अब जो है तमाम पुलिस बल के जो लोग हैं जो जवान वो धीरे धीरे शांत होने लगे हैं और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन की वजह से जो आपाधापी की वजह से तो आम लोगों का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा ये भगवान जाने। लेकिन इसका ये होता है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर भी माननीय नेताओं का प्रदर्शन जारी। सहयोगी निशांत प्रसाद कुमार गौतम, VIP न्यूज। तुमांची के CPM विधायक सत्येंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। JDU नेता तारकेश्वर सिंह की हत्या के मामले में MP MLA कोटे के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मृतक के पुत्र कुंदन सिंह की छपरा की विशेष अदालत ADJ
2003 में गवाही हुई। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख की बात करें तो 12 अप्रैल को तय की गई है। मालूम हो कि कोपा थाना क्षेत्र के पतीला गांव निवासी जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह का न्यायाधीश टीम के यहाँ साक्षी की हाजिरी पड़ी हुई थी सेशन ट्रायल 552A 2007 में। साक्षी का नाम है कुंदन कुमार सिंह और उसका मैंने परीक्षण कराया। जब तक मैं वहाँ था जीरा के लिए कोई नहीं आया मुदाला की तरफ से। उसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ कि अगर कोई जीरा करेगा तो करेगा, अगर नहीं करेगा मुदाला की ओर से कोई जीरा तो मुदाला पर गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का आदेश मैं करूंगा। तो कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के साथ राजनीतिक संगठन भी सक्रिय है। राजधानी रांची में लोगों को कोरोना के प्रति सजग करने की कवायद में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से शहर के कांके इलाके में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि AIPC की ओर से यहां पर प्रदेश अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य भुवनेश ठाकुर समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान AIPC द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील भी की गई। कोरोना के दूसरे लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का ये एक स्टेप लिया गया है कि जो भी राज्य की जनता है उनको अवेयर करें, उनको ये समझाएं कि अभी भी खतरा टला नहीं है, आप मास्क का, दूरी का, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते रहें, बेवजह घर से ना निकलें और ज़रूरत पड़ने पे ही राज्य या शहर के बाहर ट्रैवल करें। इस कार्यक्रम में हम लोग रांची और झारखंड राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग इलाकों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। जिन लोगों के पास मास्क की या सैनिटाइजेशन की सुविधा नहीं है उनको यह सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कैजुअल हो गए हैं जिसके कारण संक्रमण की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। तो हम लोगों ने एक कोशिश की है कि लोगों को फिर से जागरूक करें। जो लोग मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक इस चीज़ हजारीबाग में लॉकडाउन अश्वारा कराटे की ओर से लड़कियों और महिलाओं के लिए इंडोर कराटे क्लास शुरू किया गया। इस दौरान संस्था के संरक्षक और बीजेपी नेता उदय भान नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान उदय भान नारायण सिंह ने महिलाओं को देखते हुए विशेष सुविधा के तहत यहाँ पर क्लासेस शुरू करने की बात कही है। साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिए लाभदायक साबित होने की यहाँ पर उम्मीद भी जताई है। नया ब्रांच खुल रहा है और मुख्यतः ये एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हॉल में यहाँ पर जो भी कराटे यहाँ सीखेंगे एक इंडोर ट्रेनिंग दी जा रही है, जो हर तरह से मैं समझता हूँ कि इस कराटे को सीखने के लिए और इसको साधने के लिए बहुत अनुकूल एक वातावरण यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए अभी निकट भविष्य में गर्मी का दिन आ रहा है, काफ़ी गर्मी बढ़ जाएगी, सुबह के टाइम में ट्रेनिंग करना पड़ता है अगर दिन में करना हो, या बारिश का टाइम इसके बाद आएगा, या धीरे धीरे जब ठंड बहुत चरम सीमा पे चली जाती है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक भी परिस्थितियों को देखते हुए अगर इंडोर ट्रेनिंग अगर कराटे का यहाँ पर जो नॉकडाउन अश्वारा कराटे के द्वारा किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बहुत ही जो यहाँ कराटा सीखेंगे उनके लिए लाभान्वित है। और इस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय से मेरा सपना था कि जो है इंडोर में क्लासेस चले और आपके माध्यम से हमको ये मौका मिला कि यहाँ पर जो है लड़कियों को, महिलाओं को और बच्चों को यहाँ पर जो है इंडोर क्लासेस हो तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम हर तरह का कोशिश करेंगे कि और भी बच्चे यहाँ से यहाँ पर से जुड़े और अच्छे से अच्छा हम प्रशिक्षण देने का कोशिश करेंगे। तो पटना एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। AI 415 से दिल्ली से पटना लौट रही सीट 12E की यात्री संजू कुमारी के बैग से लगभग 4 लाख के सोने के और हीरे के गहने चोरी हो गए। महिला ने इस घटना की शिकायत यहां पर विमान कंपनी के प्रतिनिधियों से की है। फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन मामले की छानबीन में जुट गया है।
तो काफ़ी टाइम तक हमें लगेज नहीं मिला वहाँ पे, तो जब मैं ढूंढ रहा था लगेज तो मैंने देखा ये बैग यहाँ पे है और ये पूरा बिखरा हुआ था, ये बैग पूरा बिखरा हुआ था और सामान सारा इसका बाहर की तरफ चला। फिर ये जो महिला थी इन्होंने अपना लगेज लेके आया और फिर ये चिल्लाने लगे कि मेरा सारा सोना इसके अंदर से गायब है। तो लास्ट में मैंने देखा दो तीन बैग के बाद मेरा जो बैग है वो लग रहा था मुझे मेरा ही बैग है, बट वो एक पॉलीथीन के अंदर पैक था और उसके अंदर वो पूरा गंदा था। जब खोला, जब इन्होंने हल्ला किया तो हमने भी चेक किया तो मेरा भी सिक्योरिटी लॉक उसमें से जो जम्मू के अंदर सील करके हमें दिया गया था वो लॉक टूटा हुआ था। फिर तीन चार और पैसेंजर्स थे, उन्होंने भी पाया कि उनका जो लॉक किया हुआ था वो लॉक उनका तोड़ दिया गया है। तो वहीं धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर से पीडीएस में वितरण किए जाने वाले चावल का कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शहर के बिल्डिंग के पास चावल लदा ट्रक जब्त किया, साथ ही इस छापेमारी के दौरान ट्रक चालक की भी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी तहकीकात में जुट गई है। मनोज सिंह का ठेकेदारी है, हम उन्हीं के ड्राइवर हैं। कहाँ से माल आ रहा था? माल आ रहा था FCI गोदाम से। कहाँ, कौन से जा रहा था? कंडरा। अच्छा, बरमसिया से लूट किए थे। उसके बाद जो है से थोड़ा सा आगे वाला जो है से रोड में हम घुस गए तो वहाँ से बाइक कर रहे थे तो थोड़ा सा ठेला में लग गया, तो कुछ नुकसान नहीं हुआ उसका। तो फाइनेंसर वाला हमसे बोला कि 4000 रुपया दो, तो फिर जो है हम बोले कि सर हमारे पास तो गरीब आदमी, हम कहाँ से फाइनेंसर के कोई वहाँ लगल लोग थे, वहाँ 4000 रुपया मांग रहा था उन लोग, तो हम नहीं दिए। तो उन लोग जो है से फिर लोगों को फ़ोन किए, फिर हमको ला के कांडरा में किसके पास जा रहा था? FCI गोदाम में, जो वहाँ से मैंने डीलर लोग ले जाता है गरीबी रेखा में, वहाँ से बटता है। राज्य में इन दिनों यहां पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और ऐसी घटनाओं से लोगों की चिंताएं बढ़ चली हैं, क्योंकि भीड़ तंत्र के हवाले कई बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इस घटना पर पूरी संजीदगी अपने दिखा रहे हैं। इस कड़ी में इरफान अंसारी की अगुवाई में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने CM से मुलाकात कर अपनी बात रखी। वह इरफान अंसारी ने इस मुद्दे पर कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना की रोकथाम के लिए कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यहां पर BJP पर निशाना साधने से भी चूके नहीं और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं भाजपा की देन है। अब जो मारने वालों का मनोबल बढ़ रहा है, सभी जिलों से हम डेलीगेशन लेके आए हैं, मिलाने का काम किया और हम लोगों ने कहा कि सख्त कानून बने ताकि मॉब लिंचिंग इस राज्य में नहीं हो। मॉब लिंचिंग से हमारा झारखंड जो है कलंकित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि हर हाल में जो स्टेट जो सरकारें हैं वो अपना कानून बनाए, लगभग 6-7 राज्यों ने कानून बना लिया, लेकिन क्या कारण है झारखंड ने अभी तक ये कानून नहीं बनाया? हमारा बंगाल बना लिया, हमारा बिहार बना लिया। तो आज मैंने मुख्यमंत्री से हम लोग मिले और हमने कहा है कि हर हाल में आप स्ट्रिक्ट कानून बनाइए ताकि एक मैसेज दे सके कि इस तरह से दोबारा घटना नहीं घटे, हमारे निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं। मारने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। आप भी मार रहे हैं ना कि आपकी सरकार ने? जी बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोबारा इस। तो रांची में आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य भर से कुर्मी समाज के लोगों ने शिरकत की है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न मुद्दों को लेकर आम जनों के बीच विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो ने कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर यहां पर सबके बीच अपनी बात रखी। साथ ही मांग को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए यहां पर किए गए प्रयासों के बारे में भी लोगों से जानकारी साझा की। कुछ संगठन इस ठीक है, लेकिन कालांतर जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए तो ये तकनीकी रूप से एक त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कुर्मी और कुर्मी दो भिन्न समुदाय हैं, दो अलग अलग समुदाय हैं, और कुर्मी और कुर्मी दोनों को एक साथ जोड़ करके जब मांग किया जाता है तो इसमें जो शोध संस्थान है वो भी इसमें दिग्भ्रम की स्थिति उनके ऊपर भी उत्पन्न होती है और वो सही नतीजा निकाल नहीं पाते हैं, सही निष्कर्ष में नहीं आ पाते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुर्मी और कुर्मी पूरी तरह से दो अलग समुदाय हैं और जो मांग है वो कुर्मी जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किए जाने का मुख्य मांग है। ये दरअसल इसमें हुआ ये है कि जब ब्रिटिश काल में जब सर्वे हुआ था उस समय अंग्रेजी में अड़ाक्षर का विकल्प नहीं होने के कारण कुर्मी को KURMI लिखा गया, जिस तरह से अन्य को भी जैसे खड़िया है उनको KHARI
ये लिखा गया। तो वहीं जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद ने सरकार की ओर से जिला प्रशासन के कार्यकलाप से यहां पर नाराज होकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की है कि कदमा के यहरानी कुदुर में जटाधारी शिव मंदिर के पास इमामबाड़ा बनाया जा रहा है, वो किसके आदेश पर बनाया जा रहा है इसका खुलासा करें। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने साफ कह दिया है कि स्थानीय प्रशासन माहौल बिगाड़ना चाहती है, हिंदुओं की भावना के साथ यहां पर खिलवाड़ किया गया तो विश्व हिंदू परिषद सड़क पर उतरकर हिंसक रूप धारण कर लेगा। डीसी के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जो जमशेदपुर में अब एक नई परंपरा चलने के लिए मजार और इमामबाड़ा बनाने की, जगह जगह इमामबाड़ा और मजारें बनाई जा रही हैं, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है यही समझने के लिए डीसी साहब से मिलने आए हैं। पिछले दिनों की घटना है कदमा रानी कुदर में जटाधारी शिव मंदिर के बगल में एक इमामबाड़ा निर्माण किया जा रहा है। किसकी सहमति से निर्माण किया जाता है? यही टाटा कंपनी है जो एक इंच जमीन पर अतिक्रमण नहीं देने जाती करने देती है, और आज टाटा कंपनी जो है इसके इशारे पर इमामबाड़ा बना के दे रही है। इस चीज़ का विश्व हिंदू परिषद पुरजोर विरोध करता है और ये साफ साफ हम लोग प्रशासन शासन को चेताने के लिए आए हैं कि अगर हिंदू हित का हनन हुआ तो विश्व हिंदू परिषद जो है अपनी बात चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पर उतर कर जन आंदोलन के माध्यम से हिंसक आंदोलन भी अगर करना पड़ेगा तो करेंगे। इसलिए प्रशासन शासन और स्वयं टाटा स्टील होश में आए, इस तरह के क्रियाकलाप करने बंद करें। तो बिहार सरकार की ओर से लाए जा रहे बिहार पुलिस सशस्त्र कानून विधेयक के साथ ही यहां पर फुटकर दुकानदारों के पंजीकरण के साथ साथ नए दुकानों के आवंटन की मांग को लेकर भाकपा माले ने पटना जीपीओ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भाकपा विधायक ने नए पुलिस विधेयक को काला कानून बताया और सदन में पास नहीं होने देने का ऐलान किया। साथ ही फुटकर दुकानदारों को पंजीकृत करने और जल्द दुकान देने की मांग करते हुए सरकार का पुतला भी फूंका। सशस्त्र पुलिस का जो कानून है, जो विधेयक है, जिस विधेयक को लाने की कोशिश नीतीश कुमार की सरकार ने फांसीवादियों के साथ मिल करके 19 तारीख को किया, हमने जोरदार विरोध करके बिल पेश नहीं करने दिया। ये बिल क्या है आपको समझना होगा। आप जानते हैं बिहार की पुलिस का चरित्र क्या है। बिहार की पुलिस से ऐसे ही जनता त्रस्त है, तबाह है, और बिहार की पुलिस जब कहीं ऑपरेशन करने जाती है उसके सहयोग में सशस्त्र बल का प्रयोग होता है। अगर उसको आशंका हो कि कहीं हमारे ड्यूटी में जाने से अगर आतंकवादी हमला हो जाए या कहीं अगर जो अपराधियों का हमला हो जाए तो ऐसे हालत में सशस्त्र बल नियुक्त किया जाता है। लेकिन सशस्त्र बल नियुक्त करने के समय भी उसको मजिस्ट्रेट डिपीट करना होगा। लेकिन ये कानून क्या है? ये कानून पुलिस के ऊपर में एक पुलिस है। आगामी होली और शबे बारात पर्व को देखते हुए मधुबनी में एसपी की अध्यक्षता में बीते दिन कई थानों में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में कई राज्यों में कोरोना महामारी का प्रकोप किस तरीके से बढ़ रहा है इस पर भी चर्चा की गई। आगामी पर्व को लेकर बिहार लौटने वाले लोगों की कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए यहां पर निर्देश भी दिए गए। साथ ही इस बैठक में एसपी ने स्थानीय लोगों से कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी नियमों का पालन करने की अपील भी की। अन्य चीज़ों को लेकर के आज यहाँ SDPO फुलपरास, SHO खुटौना, ललमनिया और लौखा के जितने भी इधर आस पास थानेदार हैं उसको लेकर के भ्रमण कार्यक्रम और एक बैठक आयोजित की गई। इसमें इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि आने वाले पर्व त्यौहार में शांति बरतेंगे, जो कुछ खास कांड है जिसमें वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी जरूरी है उसको जल्द से जल्द करेंगे, पीने वालों पर कड़ी नज़र रखेंगे, बॉर्डर एरिया है। सहरसा में बिहार दिवस मनाया गया, जिस दौरान जिलाधिकारी कौशल कुमार के साथ यहां पर बड़े पदाधिकारियों ने जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पूरे जिलेवासियों को बिहार दिवस की
यहां शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली के तहत राज्य के कई जगहों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। वृक्षारोपण के बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, साथ ही साथ आज का जो थीम था जल जीवन हरियाली उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया गया और शिक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसी उपलक्ष्य में जो प्रवेश उत्सव कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इस दौरान अभी तक करीब 22,000 लोगों का नामांकन, बच्चों का नामांकन हो चुका है। पलामू के मेदिनीनगर स्थित डीआरडीए सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा सहित एसपी संजीव कुमार ने किया। इस मौके पर बाल श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।